हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार आज हमारे बीच है टाटा सफारी 2022 का एडवेंचर पर्सोना वेरिएंट। अब यार इसकी ना सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप लोगों को जिसमें कलर मिलता है ट्रॉपिकल मिस्ट, वो यार इतना अच्छा है ना, मतलब अच्छे तो सारे कलर्स होते हैं लेकिन बेसिकली ये कलर एक ऐसा लगता है जैसे जब एकदम सनी डे होता है और आसमान एकदम नीला रहता है ना और देख के खुशी मिलती, वो खुशी इस गाड़ी में ये कलर देख के मिलती है। और एक बार मैं दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ ये कलर ताकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल सके। तो इस तरह का कुछ ये कलर दिखता है जो आप असली में देखेंगे ना अपनी रियल आंखों में, जब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो इसलिए क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी है तो मेरे को कई बार तो वाइड एंगल पे शूट करना पड़ रहा है तो थोड़ा वो जो वीडियो क्वालिटी है थोड़ी ख़राब हो जाती है इसलिए। और रही बात की ये कितनी बड़ी है, तो भाई ये है टाटा सफारी, लंबाई है 15.4 फीट, चौड़ाई है 6.2 फीट और हाइट की बात करूँ तो यार हाइट इसमें आप लोगों को 5.8 फीट, और अगर फीट और इंच में बताऊँ तो 5 फीट 10 इंच, यानी कि अब भी आपके भाई से 2 इंच छोटी है ये गाड़ी। बाकी यार अभी इस गाड़ी की बात करते हैं, लेकिन यार इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभी तक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला और ना ही मैं बोलूँगा क्योंकि यार आप लोग काफ़ी समझदार हो, आप लोग सब जानते भी मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। लेकिन हाँ एक बात है यार, हमारी 10K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अपनी जो फैमिली है वो 10,000 से बड़ी हो चुकी है। तो यार आप लोगों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की वजह से ही ये हो पाया है, तो उसके लिए आप लोग यार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और यार मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग ऐसी एक गाड़ी निकलवाओ टाटा सफारी जैसी ही। तो भाई मैं अब आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ इसका, तो ये पड़ती है 27 लाख अराउंड की ऑन रोड में पड़ती है ये ऑन रोड, क्योंकि ये इसका ऑटोमेटिक वेरियंट है। और अगर आप मैनुअल लेंगे तो वो तकरीबन, भाई उधर ध्यान मत दो, वो टाटा की हैरियर है जेट एडिशन, सफारी पे कंसंट्रेट करते हैं। उसकी बात करोगे तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये पड़ती है अगर मैनुअल में लेंगे तो 25,60,000 समथिंग की। अब इतना पैसा देने के बाद आप लोगों को किस तरह की फीचर्स मिलेंगे, कौन सा इंजन मिलेगा, कितनी पावर होगी, सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों के हाथ में आएगी चीज़ वो होगी टाटा सफारी की ये वाली चाबी, कुछ इस तरह की दिखती है जिसमें कि सबसे नीचे आप लोगों का लॉक, देन लाइट के लिए बटन, फिर अपना बूट ओपन करने से ऊपर लॉक के लिए। नाउ अब आ जाते हैं एक बार इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे, तो एकदम सेंटर में यहाँ पे आप लोगों को एज ऑलवेज टाटा का लोगो मिल जाता है, और इसके साइड में जो ग्रिल है ना यहाँ पे आप लोगों को ट्राई एरो डिज़ाइन मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक ग्लोसी ब्लैक का एलिमेंट मिल जाता है आप लोगों को इनके ऊपर, जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं इसके इंडिकेटर्स, और यही आप लोगों के डुअल फंक्शन के साथ आते हैं, यानी कि अभी तो इंडिकेटर का काम कर रहे हो, जब यूज़ में नहीं होंगे तो यही एज अ DRL काम करेंगे, ये आ जाता है। अब इसके नीचे जो ह्यूमिडिटी लाइन देख पा रहे हो टाटा की, ये जो स्ट्रिप है ये भी आप लोगों को पूरी ग्लोसी ब्लैक में मिल, जो कि अगर आप लोग दूसरे वेरियंट्स में देखेंगे ना तो वहाँ पे यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी ट्राई एरो पे भी नीचे भी। और यहाँ पर आ जाती है इसकी हेडलाइट यूनिट, अब इसमें ऊपर और नीचे की तरफ आप लोगों को पूरा मैट ब्लैक मिलता है, जबकि बीच में यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक जिसमें कि आप लोगों को क्रोम मिलता है दूसरे वेरियंट्स में। अब यहाँ पे 3 लाइट्स मिलती हैं, सबसे ऊपर में राइट हैंड साइड अगर मैं दिखाऊं तो ये जो अभी ऑन किया मैंने, यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलता है आप लोगों को। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आते हैं अपने कॉर्निंग फंक्शन वाले हेलोजन हेड फॉग लैंप्स, और ये भी अपना हेलोजन में ही रहेगा। लाइट सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे पूरा ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नाउ यहाँ पे आ जाता है इसका बम्पर, जो कि आप लोगों को काफ़ी रफ से टेक्सचर में मिलता है पूरा मैट ब्लैक फिनिश में, और ना इसको नीचे से ऐसा उठाया गया, मतलब काफ़ी रगिड लुक दिया गया है पूरा। और अंडर बॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है यहाँ पे आप लोग, जो कि सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। ना ऊपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स, जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं जैसे ही पानी की बूंदें स्प्रे करेंगी तभी। ऊपर आ जाता है यहाँ पे इसका पैनोरामिक सनरूफ, सबसे मस्त पार्ट, अंदर बैठ के दिखाऊंगा। और यहाँ पे आ जाते हैं इसके पूरे ग्लोसी ब्लैक में ORE, मुझे जो LED की स्ट्रिप्स देख पा रहे हैं भाई काफ़ी प्रीमियम लगती है। हाँ 360 डिग्री कैमरा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, ऑटो फोल्डेबल, सारे फीचर्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 18 इंच के टायर्स मिलते हैं ब्रिजस्टोन कंपनी के, और कलर कौन सा था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे चारकोल ब्लैक अलॉयज जो एक कलर है, इसका नाम है चारकोल ब्लैक, पास से भी देख लो। और प्रोफाइल बात करते हैं अब, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी प्रोफाइल मिलती है 235/60/8/18 के, यहाँ पे आप लोगों को ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। ना नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे साइड क्लैडिंग मिल जाती है, ये भी अगेन रफ टेक्सचर में मिलती है। और यहाँ पे आप लोगों को 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साइड प्रोफाइल यहीं पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। भैया इतनी बड़ी है ना कि अभी मैं आप लोग ये देख नहीं पा रहे, अब ये है वाइड एंगल में, वाइड एंगल में हमारी इतनी बड़ी गाड़ी है, पूरी एक फ्रेम में तो आई नहीं रही, तो वाइड एंगल में थोड़ी क्वालिटी बेकार उसकी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों साइड आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, और हैंडल बार पे आप लोगों को पूरी ग्लॉसी ब्लैक की भी फिनिश मिल जाती है। ABC तीनों पिलर यहाँ पे ब्लैक आउट रहेंगे, और ऊपर तरफ जो रूफ रेल्स है ना वो सामने तो छोटी है और पीछे जाके बहुत मोटी हो जाती है, और ये भी आप लोगों के डुअल कलर में, जैसे एक तो मैट ब्लैक हो गया और नीचे तरफ जहाँ पे सफारी लिखा है ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक। ना पीछे की प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरह की है, सामने से तो आप लोगों को टाटा और सफारी सेम लगती है, लेकिन मेन डिफरेंस आता है पीछे से, क्योंकि पीछे जो है अपनी सफारी वो काफ़ी ऊंची है, जिसमें कि सबसे ऊपर अपना यहाँ पे आ जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, देन अपना डिफोगर, रियर वाइपर सब यहाँ पे मिल जाता है।
वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, यहाँ पे अपना ये शेर की फैमिली मिल जाती है और अपना टाटा का काफी बड़ा लोगो। ना पीछे की तरफ ना आप लोगों को काफी बोल्ड स्ट्रिप मिलती है टेल लाइट टू टेल लाइट, जिसके बीच में एकदम सेंटर में टाटा का लोगो, नीचे अपना यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन बूट को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे इसका रियर पार्किंग सेंसर। क्वालिटी कैसी है तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। बाकी पीछे का सीन कुछ इस तरह का। और अगर लाइट्स की बात की जाए तो ये देखो डुअल स्ट्रिप मिलती है, और ऑन करके भी दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह की लगती हैं जब ये ऑन हो जाती है तो। और इसी को ऊपर की तरफ वहाँ पे अपना आ जाता है इंडिकेटर। नाउ नीचे अपना वहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर प्लेट के लिए भी यहाँ पे आप लोगों को वाइट LED मिलती है। ये नहीं दूसरी गाड़ियों की तरह अपना वो पीला वाला बल्ब लटका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे रहता है इसका बम्पर, जिसके ऊपर आप लोगों को पार्किंग सेंसर मिल जाता है। ऊपर वाला पार्ट पूरा मैट ब्लैक फिनिश में, और नीचे वाला अगेन जैसा वो चारकोल ब्लैक में थे ना, इसके एलॉय व्हील सेम वही कलर यहाँ पे मिल जाता है। और डुअल एग्जॉस्ट के लिए आप लोगों को यहाँ पे मतलब स्पेस दिख जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जॉस्ट जो है वो एक में ही है मेरे ख्याल से, बाकी मैं कंफर्म करके आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगा। और यहाँ पे आ जाता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। तो अब बूट खोल के मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यार इसका जो ये है ना पीछे टेल गेट काफ़ी हैवी है, अपने आप तो खुलता ही नहीं, कई बार मेरे को ऐसा लगा कि भाई खुला ही नहीं है, काफ़ी हैवी, प्योर लोअर ठोक रखा है टाटा ने। यहाँ पे ये रहा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। नाउ अब मैं स्पेस बता देता हूँ, तो अगर इसकी थर्ड रो ओपन है तो आप लोगों को 750 लीटर, और अगर इसकी थर्ड रो अगर आपने डाउन करके साथ में सेकंड रो भी डाउन कर रखी तो आप लोगों को 1660 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। नाउ अभी जैसे मैंने इसकी थर्ड रो की एक सीट डाउन कर रखी तो उसको उठाने के लिए मुझे जैसे इस स्ट्रैप को खींचना है और ये पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो पीछे भी आप लोगों को पूरी लेदर सीट्स मिलती है, यहाँ पे कप होल्डर और दो USB पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, और इस साइड यहाँ पे ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोलर मिल जाता है विद कप होल्डर। यहाँ पे एक AC वेंट, यहाँ पे एक AC वेंट, और एकदम ऊपर भी यहाँ पे आप लोगों को लाइट मिल जाती है LED में, जो कि एक अच्छी बात है। नाउ सेकंड रो जो है आप लोगों की वो 60-40 में फ्लिप होगी, और जो थर्ड रो है उसको आप लोग 50-50 में स्प्लिट कर सकते हैं। और एक बात अच्छी है कि यहाँ पे आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इवन इन द थर्ड रो। सो नीचे अपना आ जाता है यहाँ पे हेलोजन लाइट, और इसके नीचे यहाँ पे अपना आ जाता है थोड़ा स्टोरेज स्पेस टूल पाने वगैरह के लिए। नाउ अब बात करते हैं एक बार इसकी सेकंड रो की, और जो आप लोगों का पैसेंजर साइड डोर है उसके डोर हैंडल पे भी आप लोग ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिल जाते हैं। और डोर ट्रिम की बात की जाए तो ये पूरा सॉफ्ट टच है, यहाँ पे अपने पावर विंडो से कंट्रोल मिल जाता है, और जो आप लोगों का डोर लीवर है वहाँ पे भी आप लोगों को एम्बिएंट लाइट मिल जाती है ब्लू कलर की, और ये पूरा ना थोड़ा ब्लैकिश क्रोम में है, डार्क क्रोम जो कहते हैं उस फिनिश में है। यहाँ पे अगेन ग्लोसी ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। ऊपर आते हैं JBL के ट्विटर, और सबसे नीचे अपने स्पीकर आ जाएंगे, यहाँ पे अगेन सो स्पेस, और नीचे तरफ बोटर होल्डर। नीचे आप लोग देख पा रहे हो वहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं। तो टोटल यहाँ इस गाड़ी में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर और 1 एम्पलीफायर मिल जाता है, और ये सारे JBL के ही मिलते हैं आप लोगों को। बाकी ड्राइवर साइड सीट मैंने अभी एकदम पीछे की हुई, तो ये एकदम मिनिमम स्पेस है, बाकी जब मैं उस साइड बैठ के बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को अच्छा आइडिया मिल पाएगा। बाकी यार सीट्स जो है कंफर्टेबल काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग मिल जाती है, और एज ऑलवेज स्टार्टिंग हर एक गाड़ी में जो सीट है ना काफ़ी अच्छी होती है, और इसी लीवर से आप लोग इसे फोल्ड अनफोल्ड या रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं। और बीच में अपना आ जाता है यहाँ पे आर्मरेस्ट, जिसमें कि आप लोगों को 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और अब मैं चलता हूँ एक बार उस साइड, और फिर आप लोगों को बैठ के बताता हूँ कि स्पेस कितना है यहाँ पे। सो को ड्राइवर सीट मैंने लिए, तो ये मैक्सिमम स्पेस अभी आप देख पा रहे हैं, मैं अपने पैरों को आराम से फैला लूँ ना तब भी काफ़ी स्पेस है, गुंजाइश अब भी उस सीट को पीछे करने की। और यहाँ पे आप लोगों को बोस बोर्ड भी मिल जाता है ना, ये 7 सीटर वेरिएंट है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे 6 सीटर वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसमें कि जो सेकंड रो वो कैप्टन सीट्स मिलेंगी, और वहाँ पे आप लोगों को वेंटिलेटर सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और ये मिनिमम स्पेस है। और अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पे आ जाती है इसकी पैनोरामिक सनरूफ, और उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल, एक लाइट मिल जाती है जो कि LED में है, इस साइड भी सेम वही सब चीज़ें मिलती है, और यहाँ पे पीछे एयरबैग की बैजिंग। टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं आप लोगों को गाड़ी में। नीचे अपना यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस या फोन होल्डर जो है वो कह लो, और ये जो ग्लोसी ब्लैक स्ट्रिप है ना ये आगे से कंटिन्यू होते हुए पीछे तक आ रही है, जो काफ़ी सही लगती है, और इसके अंदर भी आप लोगों को एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। नीचे अपने 2 पावर आउटलेट्स, और अगर मैं दिखा पाऊँ तो हाँ ये रहे, ये अपने वो 2 पावर आउटलेट्स USB वाले। और अभी इतनी बड़ी गाड़ी है तो छोटा मोटा तो बम्प मिल सकता है ना, तो ये रहा नीचे अपना छोटा सा बम्प वही वाला। नाउ अब बात करते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड डोर ट्रिम सेम आप लोगों को एज इट इज़ पीछे वाला ही मिलता है। भाई ड्राइवर साइड है तो थोड़े बहुत फंक्शंस वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ORM वगैरह के, पावर विंडोज़ के, सेम वही डिफरेंस है। यहाँ पे ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, नीचे अपना भाई बोटर होल्डर स्टोरेज स्पेस के लिए। नाउ वाली जो सीट है ना उसमें आप लोगों को वही लीवर मिलता है नीचे से खींचने वाला आगे पीछे करने के लिए, जबकि यहाँ पे आप लोगों को सारे कंट्रोल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मिलते हैं, ये सिर्फ ड्राइवर साइड सीट के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे एक ऑप्शन और है वेंटिलेटेड सीट्स का, वो आप लोगों को ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट के लिए मिल जाता है, तो वो सही है। बाकी आप लोग 6 सीटर वाला लेंगे तो उसमें आप लोगों को जो सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगे ना उसमें भी वो फीचर मिल जाएगा ना। अब एक बार इसके इंजन की बात कर लेते हैं पहले, फिर अंदर बैठ के आराम से ड्राइवर साइड जो जो मिलता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर की तरफ यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाती है, जो कि दूसरी कंपनी है उसमें तो आधी बार होती ही नहीं है।
नीचे अपना यहाँ पे आ जाता है क्रायोटेक 170 का इंजन, जो कि आप लोगों का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। अब यहाँ पे आप लोगों को पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता और ये इंजन आप लोगों को 125 किलो वोट की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और ये दो ट्रांसमिशन के साथ आता है, एक तो अपना 6 स्पीड ऑटोमेटिक और एक 6 स्पीड मैनुअल। ना अब बात करते हैं एक बार अंदर बैठ के आराम से, तो यहाँ पे ये पूरा आप लोग ग्लॉसी ब्लैक मिलता है और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना डैशबोर्ड का, यहाँ पे वुडन फिनिश मिल जाती है। स्टार्ट अपना बटन मिल जाता है, इस साइड अपने एसी वेंट्स और एसी वेंट्स के चारों तरफ अगेन वही डार्क क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। और इसी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा स्पोर्टी सी फिनिश देने के लिए आप लोगों को डिज़ाइन मिल जाता है। एक बात मेरे को बहुत 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 अच्छी लगी, डैशबोर्ड है ना यहाँ पे आप देखोगे, दबा के देखोगे, ये कमज़ोर नहीं है, ये पूरा सॉफ्ट टच में अगर आप दबाओगे ना तो दब जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टच है। वो बात काफ़ी अच्छी लगी। इधर अगेन एयरबैग की बैजिंग, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, मैंने आपको बताए, पूरा वुडन टच यहाँ पे। अंदर की तरफ भी यहाँ पे आप लोगों को पूरी ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड पे। और ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो एज ऑलवेज सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आता है, जैसे ही मैं जब खोलूँगा देखो कितनी धीरे धीरे खुल रहा है। अब स्पेस काफ़ी इसके अंदर, लाइटिंग भी है और भाई ये जो को ड्राइवर सीट है ना एकदम आगे की हुई है इसलिए वो टच हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे ड्राइवर के लिए और इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। कूल्ड है ये, 12 वोल्ट का सॉकेट है और 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं आप लोगों को। ये हो गया, इसके सामने यहाँ पे 2 या 3 कप होल्डर कह लो कैसे भी, क्योंकि 2 तो बड़े कप और अगर आप चाहो तो बीच में एक देख पा रहे हो छोटा कप भी मिल जाता है। और यहाँ पे वो और यहाँ पे रबड़ की बिडिंग भी मिल जाती है ताकि कप वगैरह कुछ गिरे ना छोटा बड़ा हो तो उसके लिए। यहाँ पे फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का यहाँ पे फीचर मिल जाता है। ये पूरा ना अब ग्लोसी ब्लैक में रहेगा पैनल। आगे यहाँ पे 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं आप लोगों को, एक USB और एक ऑक्स का। सामने तरफ वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और ये आप लोगों का टेरेन मोड वाला कंसोल, जिसमें कि आप लोगों को 3 मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, वेट और रफ। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ये ऑप्शन मिल जाता है। नाउ गियरनों पे भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लोसी ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है। और जो ये पूरा कंसोल है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो तीनों साइड यहाँ पे आप लोगों को डार्क क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। अंदर में भी ना दिख पा रहा क्योंकि थोड़ी बहुत गोल्ड फिनिशिंग आ जाती है, यहाँ पे गोल्ड सा कलर आता है, लेकिन वो पूरा डार्क क्रोम है। और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये आप लोगों का 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। ना अब आ जाते हैं सीधा स्टीयरिंग व्हील पे, तो एकदम सेंटर में एज ऑलवेज स्टार्टर का लोगो और ये रफ सा पार्ट है क्योंकि इसके नीचे अपना एयरबैग मिल जाता है। और साइड वाला जो है ना वो पूरा आप लोगों को काफ़ी प्रीमियम मिलता है, यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी सॉफ्ट सा टेक्सचर मिलता है और एक बीच में ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश। पूरे आप लोगों को कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑडियो के, राइट हैंड साइड अपने क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे ये पूरा नीचे ग्लॉसी ब्लैक पार्ट रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर मिल जाते हैं, यानी आप लोग ऊपर नीचे और अपने हाइट के हिसाब से आगे पीछे वगैरह सब कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील में। लेफ्ट हैंड साइड वाइपर्स के और राइट हैंड साइड अपने हेडलाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं, दोनों अपने ऑटोमेटिक रहेंगे। ना अब करते हैं गाड़ी को ऑन और यहाँ पे है ना आप लोगों को 8.8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 17.78 सेंटीमीटर का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। उनमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, सारा भी बात करने वाले हैं। तो इस तरह कुछ एनिमेशन आती है नीचे, अपने यहाँ पे सारे AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आप लोगों को, तो ज़्यादातर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर की तरफ फिर अपने यहाँ पे ड्राइव मोड्स आ जाते हैं और ये है रहा इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। टच सेंसिटिविटी वगैरह जो है वो काफ़ी सही है और ऊपर ही अपनी एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी भी दिखा रहा है जो कि अभी वेरी पुअर है। और ये है इसका रियर पार्किंग कैमरा। अब ना इसकी आप क्वालिटी देखोगे ना, अभी गाड़ी अंदर खड़ी शुरू में उस हिसाब से भी काफ़ी सही है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। तो अब मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग शायद देख नहीं पाए। और यहाँ पे अब देखो इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो वाइड और फिर एक अपना आ जाता है जूम। तो क्वालिटी उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही है। और जो टच सेंसिटिविटी है यानी कि आप टच करने पे कितना काम करते हो वो भी सही है। वॉइस कमांड से ले लेता है, फिर अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, ब्लूटूथ अपना इसमें आ जाता है, तो सारी चीज़ इनबिल्ड ही है। तो वो सब और एयर प्योरीफायर भी, जैसे मैंने बताया क्वालिटी बता रहा, तो एयर प्योरीफायर भी है इसमें ना। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो राइट साइड अपना एनालॉग मिल जाता है 220 तक की टॉप स्पीड, यहाँ पे अपना ऊपर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर ये RPM, यहाँ पे अपना मोड दिखाएगा सिटी है, देन अभी चेंज कर देते तो ये अपना आ गया वेट मोड और एक जो तीसरा यानी टेरेन मोड जो था और अब आ जाएगा रफ। सो ये आ गया अपना रफ रोड सर्फेस वाला। और अभी करते सिटी मोड की, उसके नीचे फिर अपना ये कितना वो मतलब कितनी अभी चलेगी गाड़ी वो दिखा रहा है, फिर यहाँ पे अभी और दूसरी वार्निंग लाइट्स, फिर इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है, फिर कितना चली है वो सब दिखा रहा है, ड्राइव मोड कौन सा है यहाँ पे वो दिखा रहा है, और रिफुल कितने टाइम में मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना, अभी कितना चलने वाली है गाड़ी, जितना फ्यूल है उतने में, तो वो सब दिखाएगा। यहाँ पे अपना सनवाइजर आ जाता है, ड्राइवर साइड कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता लेकिन को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर भी मिल जाती है और लाइट्स भी मिल जाती है हेलोजन में। ये हो गया एंड एकदम सेंटर में यहाँ पे आ जाता है इसका ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट IRVM, उसी के पीछे यहाँ पे आप लोगों को 2 माइक मिल जाते हैं, फिर अपनी लाइट आ जाती है यहाँ पे प्योर वाइट। और ये इसके सनरूफ के कंट्रोल, सबसे पहले इसका खुलता है सन ब्लाइंड, देन इसकी वो जो सनरूफ है वो खुले, काफ़ी बड़ी मिलती है, अभी पैनोरामिक सनरूफ है ऑब्वियसली तो इतनी बड़ी होगी, तो वो काफ़ी सही है। नाउ
अब बात करते हैं, सारे फीचर्स हो चुके कंप्लीट, प्राइस मैंने आपको बता दिया, इंजन वगैरह क्या मिलता सब बता दिया। कि अगर आप लोग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कीजिए और व्हीकल फाइनल कीजिए। जो भी पैसे पॉसिबल डिस्काउंट्स होंगे वो आप लोगों को दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एड्रेस भी मिल जाएगा आ जाए टाटा का, तो उन्हें जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी अगर आप लोगों ने कोई भी न्यू व्हीकल परचेज किया है या फिर आप लोग किसी भी व्हीकल को बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो, आप लोग उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ या ओनर से रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। और अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अपने शहर का प्राइस जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर पूछेगा। बाकी अब मैं आप लोगों से मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।